कृपा की क्या बात होती है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ सत्य कहा। उन्होंने जो बिहार की ऊंचाई दी है, बिहार के जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने विकास के नई आयाम खड़ा किया है जी, इसलिए कोई किसी का दो राय है क्या? भाजपा वाले जी की जो हथकंडा अपनाकर चुनाव जीते हैं, इसको क्या बुलवाना चाहते हैं? वो जो हमारे हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, जनता को सही रास्ते से भटकाने का उन्होंने जो काम किया है भाजपा के लिए, कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। आप लोग भरोसा रखिए और जान लीजिए, इससे ज़्यादा भाजपा के लोगों को खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कम मामूली अंतर से हम चुनाव हारे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जिस तरह से चुनाव जीता है, जो हथकंडे अपना कर, तो सब लोग जगजाहिर है, सब लोग जानते हैं किस तरह से, मानी लोकतंत्र का हत्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती वाला आपके साथ। कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम जारी हो चुका है। वहां पर बीजेपी की जीत के बाद एक तरफ जहां बीजेपी अपने जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो तीखी प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जेडीयू के उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ये जीत इसलिए मिली क्योंकि बीजेपी ने वहां लोगों को भ्रमित किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा वो सुनिए। देखिए, सब लोग का अपना अपना प्लेटफॉर्म पर रखने का, सब लोग का, हम भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे, तो उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं और जो भी घटक दल के हमारे अंदर में भी हमारे पार्टी के साथी हैं, उनके साथ भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, बैठेंगे प्लेटफॉर्म पर, अंदर और बाहर में भी हमारे जो भी महागठबंधन के साथ हैं उनसे राय विचार करके। नीतीश कुमार जनता के हिसाब से नहीं चलते थे, अपने मन से चलते थे। मैं अभी इसके विश्लेषण में नहीं है, लेकिन आप इतने जानिए कि हमारे नेता सर्वमान्य माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो बिहार में जो विकास किया है, ये कल्पना नहीं कर सकते। आज देश एक उम्मीद के साथ उनको देख रहा है। ये चुनाव हार जीत से इसको नहीं जोड़िए, देश पर देखिए, देश के स्तर पर देखिए, बिहार में जो विकास किया है। हमारे नेता को वोट की चिंता नहीं रहती, वोटर की चिंता हमारे नेता करते। उनके सुख में कैसे हो, वो कैसे खुशहाल हो, उसके हमारे नेता चिंता करते हैं, उसके लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं, बिहार के लोगों के लिए संकल्पित है कि बिहार के विकास कैसे हो, बिहार के लोग खुशहाल कैसे हो, इसके लिए हमारे हमने कहा कि कोई भी लीडर हमारे लीडर, उन्होंने कोई सुझाव दिया, हमारे कोई भी लीडर सुझाव देते हैं तो उसका विश्लेषण हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, बात करेंगे। उन्होंने कोई राय दिया है तो समझे, अब इस पर हम कुछ विशेष नहीं कह सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कृपा की क्या बात होती है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में कोई शक है क्या? उन्होंने जो बिहार की ऊंचाई दी है, बिहार के जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने विकास के नई आयाम खड़ा किया है समझे, इसमें कोई किसी का दो राय है क्या? भाजपा वाले जी की जो हथकंडा अपनाकर चुनाव जीते हैं, इस पर क्या बुलवाना चाहते हैं? वो जो हमारे हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, जनता को सही रास्ते से भटकाने का उन्होंने जो काम किया है भाजपा के लोग, और उस पर हम लोग इस चीज का नोटिस नहीं लेते। आपके सहयोगी हैं अनिल सैनी, वही ये बात कर रहे जो वहां से पहले विधायक थे। देखिए, अभी कोई भी अपनी विचार रखते हैं और हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो घटक दल के जो लीडर हैं, जो शीर्ष लीडर नेतृत्व करते हैं, उनकी कोई मतलब आता है, उनकी कोई राय आती है, तब हम लोग उस पर बात करते हैं। हमारी जो महागठबंधन है वो तमाम एकता के साथ हम लोग हैं, चट्टानी एकता के साथ है। लेकिन कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, आप लोग भरोसा रखिए और जान लीजिए, इससे ज़्यादा भाजपा के लोगों को खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। अरे बहुत कम मामूली अंतर से हम चुनाव हारे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जिस तरह से चुनाव जीता है, जो हथकंडे अपना कर, वो तो सब लोग जगजाहिर है, सब लोग जानते हैं किस तरह से, मानी लोकतंत्र का हत्या है। इस तरह की बातें हम क्या कहेंगे मीडिया के साथी को, लेकिन हम लोग जो वो भ्रम फैलाते हैं, जो उस तरह की बात करते हैं, वो सिर्फ बीजेपी में। ये हमारे लिए बिहार इकाई के लिए स्वभाव की बात है कि बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद का बैठक हो रही है, बिहार में खुला अधिवेशन हो रहा है, इसके लिए हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग पूरे अपने तरफ से जो है इसको भव्य शानदार बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे नेशनल स्तर के जो लीडर हैं
उनसे उस संबंध में जो है रणनीति के संबंध में चाहे जो भी नेशनल इश्यू है उस संबंध में आप जानकारी ले। अधिवेशन को लेकर क्या दिल्ली में जगह नहीं मिली थी ऐसी खबर सामने? नहीं ना, हमने तो रिक्वेस्ट किया है। देखिए ये आप इस पर तरह तरह की बात करते हैं, हम लोग ने हम ही तो हमारे लिए ना हम लोग चाहते पहले से भी चाह रहे थे कि बिहार में हमको सौभाग्य प्राप्त हो जो कि सबको जो पूरे देश से राज्य सभी राज्य से जो लोग आ रहे हैं हमारे पार्टी के बड़े नेता रहे हैं उनको भी हमको स्वागत करने का मौका मिले। तो इसके लिए तो आप लोग को भी हमारे बिहार इकाई के आप सभी मीडिया के साथी हैं बिहार के आप लोग को भी खुशी होना चाहिए, तरह तरह के लोग ही हमारे पार्टी के लोग आएंगे। कार्यक्रम तो मैंने बताया कि 10 तारीख को यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद का बैठक होना है और कर्पूरी सभागार में और 11 को खुला अधिवेशन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होना है। तमाम हमारे पार्टी के सभी लीडर दोनों दिन शामिल होंगे क्या? दोनों दिन हमारे सीएम हमारे शामिल होंगे। तो देखा आपने, इस दौरान उमेश कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के लोगों ने कुंडी विधानसभा में लोगों को गुमराह किया, उन्हें दिग्भ्रमित किया और ये जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मुकेश सहनी के बातों का भी खंडन करते हुए कहा कि मुकेश सहनी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि इस हार की समीक्षा होगी, महागठबंधन जो है वो अपनी इस हार को लेकर समीक्षा करेगी कि आखिर कहां चूक हुई। वही आपको बता दें कि इस बड़ी जीत के बाद जहां एक तरफ जो है बीजेपी अपने जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं विवादों का सिलसिला जो है, आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी है। जिस तरह से उमेश कुशवाहा ने ये बड़े आरोप लगाए हैं कि भ्रमित किए गए, वहां लोगों को बरगलाने का काम किया गया, उसके आधार पर ही बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। हालांकि ये कोई बड़ी हार नहीं है, उन्होंने कहा है कि इस पर समीक्षा होगी, समीक्षा कर ये पता लगाने का काम किया जाएगा कि आखिर हार वहां हुई तो हुई कैसे और आगे किस तरह से इस पर और रणनीति बनाई जाएगी, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर लोगों को हिदायत दी है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महागठबंधन जो है आगे और मजबूती के साथ नजर आने वाली है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे NBC 24 के साथ और तब तक के लिए मैं दी इजाजत, नमस्कार।